सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी संबंधी नए नियम की। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात सीबीआईसी ने ऐसे व्यवसाय जिनका मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक है के लिए कुल वस्तु एवं सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी देयता के कम से कम 1% का भुगतान नकद में करना अनिवार्य बना दिया है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। चलिए जानते हैं इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को। यह नया नियम 99% तक जीएसटी देयता के निर्वहन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात आईटीसी के प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। इस कदम से नकदी बिल के माध्यम से कर चोरी पर अंकुश लगेगा। आईटीसी को कच्चे माल, उपभोक्ता सामग्रियों, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए कर को स्पष्ट करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह दोहरे कराधान और करों के व्यापक प्रवाह से बचने में मदद करता है। इन मामलों में लागू नहीं होगा जहां प्रबंध निदेशक या उनके किसी सहयोगी से आयकर के रूप में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कर अदा किया है। पंजीकृत व्यक्ति को अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की वापसी राशि प्राप्त हुई हो। अब जानते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में। ये वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में सीबीआईसी के रूप में नामित किया गया था। यह मुख्य तौर पर सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर के करारोपण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य करता है। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।